हेलो एवरीवन, आज का दिन बहुत सुहाना है और मैं तहे दिल से आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का ये खूबसूरत दिन और मेरी पहली कोशिश एक व्लॉग बनाने की, मुझे नहीं पता ये कैसी बनने वाली है, बट आई होप आपको ये मेरी कोशिश पसंद आएगी। मैं हूँ आपका दोस्त निलेश और आप देख रहे हैं लिशियस व्लॉगिंग। और आज के इस व्लॉग में मैं अपने कॉलेज के दोस्त विजेंद्र के साथ जा रहा हूँ उसके एग्जामिनेशन सेंटर। और ये अपना भाई फाइनली आ गया व्हाइट सेंट्रो में। यार तो ऐसा है कि पहली बार व्लॉगिंग कर रहे हैं हम, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो मेरा नाम है निलेश और इस वक्त हूँ मैं विजेंद्र के साथ, जो मेरे कॉलेज का दोस्त है। ये बता कि अभी हम जा कहाँ रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं सोनीपत, मेरे एग्ज़ाम आज एसटेट का। एसटेट का फुल फॉर्म क्या हुआ भाई? हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो दिस इज समथिंग सिमिलर टू सीटेट? या सीटेट। अच्छा, बट इसमें मेरा है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, जो दिल्ली में सीटेट के लिए, सीटेट के अंदर पीजीटी कंप्यूटर साइंस है नहीं। ओके इसमें डायरेक्ट एग्जाम होता है डीएसएसबी के अंदर, जो होता है डायरेक्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए होता है, उसमें सीटेट मांगते नहीं है, लेकिन हरियाणा में मांगते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सीटेट, एचटेट सॉरी। ऑलराइट, तो भाई का एचटेट का एग्जाम है। मैं ये नहीं पूछने वाला कि उम्मीद है 90 क्वेश्चन ठीक हो जाए। अच्छा, तो लाइक सीटेट इसमें भी, इसमें भी 150 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट? ऑलराइट, तो मैं ये नहीं पूछने वाला कि भाई का तैयारी कैसा है। ही इज़ माई कॉलेज मेट, तो 5 ईयर्स तक हम लोगों ने कॉलेज में साथ ही बिताया है, तो आई नो हिम पर्सनली हाउ गुड ही इज़ इन एकेडमिक्स। तो मैं ये बता दूँ कि भाई का नाम विजेंद्र है, भाई का भी YouTube चैनल है, जो भी भाई का लिंक है वो मैं अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ताकि अभी इस वक्त हम लोग हैं कहाँ पे, लाइक अभी क्या लोकेशन है? भाई अभी रोहिणी पहुँचे हैं। हाँ यार, वो देखिए रोहिणी का वो कोर्ट है ना, आई गेस उसके पीछे अपना कॉलेज भी है। और राइट, तो हमारा कॉलेज है गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, विच इज़ एफिलिएटेड फ्रॉम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आप लोगों को आई डोंट थिंक कि इसका नाम पता होगा, बट एनीवेज टेक्निया है हमारे कॉलेज का लैंडमार्क, और सेकंड लैंडमार्क है सरोज हॉस्पिटल, जिसके पीछे हमारा पीछे ही है। क्या करेक्ट? यार कितने मेट्रो की लाइन बनाएंगे ये? सही है, ये हमारी सीधी जनकपुरी से मिलेगी। अच्छा फिर ठीक है, फिर बनाओ यार। एक्चुअली आई पुट अप नियर जनकपुरी इन न्यू दिल्ली, एंड अपना भाई नजफगढ़ से। और मैं आपको दिखा दूँ, जो लोग हिल स्टेशन नहीं जा पाते वो यहाँ पर आते हैं। ये हमारा दिल्ली का बहुत फेमस पहाड़, डक्काबाड़ा पहाड़। भाई एकदम फुल फोकस स्टीयरिंग व्हील पे, और ये सोनीपत का है। ये बढ़ता ही जा रहा है वैसे तो। तेरा एग्जाम कितने से कितने बजे तक है? एग्जाम है वैसे तो, एंट्री है 12:50 से 2, और एग्जाम स्टार्ट है 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक। बढ़िया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, यू शुड वेयर मास्क। मैं दोनों वैक्सीन लगवा चुका हूँ,
तो थोड़ा एक ऐसा चांस है कि ना हो, बट फिर भी मास्क ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों डोजेज यार मैंने भी लगवा रखे हैं, बट मास्क तो ज़रूरी है। मास्क जो है वो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोविड है इसलिए मास्क पहनना है। अब जैसे मास्क पहन रहे हैं, किसी से छुप के निकलना है तो उसमें भी काम आ जाता है। तुम लोगों के बस की तो था नहीं कभी चीटिंग करना, मैंने तो खूब करी है। तूने देखे भी होंगे छोटे छोटे पर्चे मेरे भाई। उस टाइम पे तो एग्जामिनेशन हॉल में तो कैसा सीन होता था यार, वो तो तेरे को पता ही है कि मैं जब एक बार बैठ गया उसके अंदर इधर उधर ना, उसके लिए भी जिगरा चाहिए ना, कहने का बात ये। हाँ तो तुम्हारे पास नहीं था, मेरे पास था। कॉलेज के तो बहुत सारे सीन्स हुए हैं, एंड कॉलेज उस पर भी एक व्लॉग आएगा अलग से कि कॉलेज हमारा 5 साल, क्योंकि 5 साल एक बहुत ही लंबा सफ़र होता है। बहुत सारे लोग जो है वो यू नो 3 साल का BBA कर लेते हैं या BCA कर लेते हैं या फिर बहुत सारे लोग BTEC करते हैं, 4 साल का होता है, ठीक है, नो डाउट 4 साल भी एक लंबा सफ़र है, बट 5 साल कुछ ज़्यादा ही लंबा सफ़र हो जाता है। तो उसके ऊपर भी एक ब्लॉग आना चाहिए और हम ज़रूर लाएंगे कि हमारा 5 साल का MCA डुअल डिग्री कैसा रहा और हमने कॉलेज में और क्या क्या किया। भाई तू MBBS वालों को ना ओपन चैलेंज दे रहा है लोग के लिए, क्योंकि उनका हमसे भी लंबा पीरियड है। भूख लगी है भाई, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, अभी यहाँ से निकल लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा भाई, तो मेरा 2 सवाल है तेरे से। पहला ये कि तू सोनीपत एग्ज़ाम के लिए कितने बार आ चुका है और तूने अभी तक कितने कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं तूने? भाई मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, मोस्टली हरियाणा के जितने निकलते गए, जैसे SI का भी था और कैनल पटवारी, लास्ट टाइम जो कैनल पटवारी तो अभी निकलेंगे, मतलब फेब में डेट आई है, जनवरी फेब में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और फरवरी इसमें है, जो मोस्टली मेरे को अभी अपडेट से पता चला है। बाकी लास्ट टाइम पटवारी का भी दिया था जो पिछले साल हुआ था 2020 में, 20 या 21 में जो हुआ था लास्ट टाइम, या शायद 19 में, मेरे को डेट याद नहीं है प्रॉपर, पर था वो भी ये था कि कभी यमुनानगर, कभी रिवाड़ी, कभी रोहतक, तो मोस्टली घूमा तो हूँ सब जगह ही, और ये तो अपने ही गाँव सारे। तो ये कोई रोडियो ड्राइव करके कोई एक मॉल लग रहा है, उसके पीछे TDI मॉल है, यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। रोडियो ड्राइव ढाबा दिख रहा है भाई, चलेगा क्या? तू बता। हाँ चल सकते हैं, चल यहाँ पे कुछ चाय पानी हो जाए। रास्ता है जाने का? हाँ ये तो ना यार साइड से, इतनी तेरे को आई गेस यू टर्न लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं यहाँ से है रास्ता है यहाँ से जाने का। तो दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल रसोई ढाबा आए हैं और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा नाश्ता। आज सैटरडे है भाई, तू नॉनवेज खाता है? हाँ बिल्कुल, पर अभी सुबह है भाई, शाम को देखेंगे। सोच ले ब्लॉक पे जाने वाला है, शाम को देखेंगे। मिक्स पराठे में क्या क्या रहता है भाई? मिक्स पराठे में गोभी रहती है, आलू रहती है, प्याज रहती है। गोभी, आलू और प्याज। चलो भाई जल्दी से कर देना। तो विजेंद्र ने ऑर्डर किया है चाय और मैंने ऑर्डर किया है एक मिक्स पराठा, और मेरे भाई ने बनाई है मेरे लिए ऑमलेट। भाई तूने कहा था यार प्याज इसमें ज़्यादा डाल दियो, ठीक है, अब मैंने प्याज इसमें ज़्यादा डाला है, इस वजह से ये इतनी भारी हो गई, इतना हैवी हो गया कि ये टूट गया है। उसको भुर्जी बोल के खा लेंगे। तो ऑमलेट का बन गया है भुर्जी दोस्तों। खुशी।
यार ये बता, लेकिन कैसा लग रहा है तेरे को, पसंद आ रहा है? झूठी तारीफ कर दी यार, सच्ची करूँ झूठी ही कर दे बकवास है भाई इसका पूरा नाम क्या था? रसोई ढाबा, राइट। तो दोस्तों ये रसोई ढाबा है, ये कहाँ पर है यार एग्जैक्टली, एक बार लोकेशन बताएगा क्या भैया? ये लोकेशन क्या है? रसोई है जी। अरे नहीं, रसोई ढाबा, रसोई एड्रेस क्या हुआ है? रसोई ढाबा कोटली सोनीपत। सोनीपत, हाँ जी। तो दोस्तों यार आपने सुन लिया कि ये रसोई ढाबा सोनीपत हाईवे के पास ही है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और फिलहाल हमने पराठे ऑर्डर किए हैं और चाय ऑर्डर किया है, तब तक विजेंदर ऑमलेट का ऑमलेट का लुत्फ उठाते हुए। बहुत टाइम बाद खा रहा है, बहुत टाइम बाद खा रहा है। क्यों, नजफगढ़ में अंडे नहीं मिलते? अंडे मिलते हैं भाई, घर में नहीं बनाते हम। हाँ, इनके इसके घर में नहीं बनता। तो भाई देख ले यार, ये घर वाले भी ये व्लॉग देखेंगे। घर वाले मना नहीं करते किसी चीज़ को, ठीक है? फिर सही है। भाई क्या कहना है, क्या कह रहे हैं, कहना क्या है तुम्हारा रसोई ढाबा के बारे में? भाई अच्छा ही है, मतलब मेरे को तो जो मैंने खाया वो तो अच्छा ही है। पराठा सच में बहुत ही अच्छा था, मिक्स पराठा था, तो आप लोग भी आकर के ट्राई कर सकते हैं मिक्स पराठा। हमने दोबारा ऑर्डर किए, दो पराठे खाए, आज का मेरा डाइटिंग कम्प्लीट। तो रसोई ढाबा को हम चाय के लिए हम देंगे 3.5 out of 5, तो आप यहाँ करके ट्राई कर सकते हैं मिक्स पराठा, या जितना अच्छा मिक्स पराठा था उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि शायद और भी पराठे जो इनके पास हैं अवेलेबल वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। सही कह रहे हैं आई एग्री। मास्क लगा ले साले, तो अपना तो देख। तो भाई मास्क लगा के सेट हो गए हैं और अभी हम चल रहे हैं विजेंद्र के एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ। कैसा लग रहा है भाई? अरे भाई फटी पड़ी है तो भाई विजेंद्र यार अपने चैनल के बारे में कुछ बताया। मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टडी चैनल होना चाहिए, उसके अंदर कंप्यूटर की बेसिक ट्रिक्स, कंप्यूटर फास्ट करने का तरीका और कुछ एक्सेल्स की टिप्स कि हम एक्सेल कैसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ बेटर शॉर्टकट्स जो बहुत काम आते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को बता दूँ कि विजेंद्र जो है He is working as a software engineer in a multinational company. And Nilesh is also working as automation engineer, I guess. Yeah, correct. We are very honest employees of our organization. क्यों बकवास कर रहा है? डाइटिंग के बाद यार सबसे ज़्यादा मिस जो मैंने किया वो ये किया है। Continue on now.
kilometers. सोनीपत यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और खरखौदा यहाँ से भाई ये सोनीपत के अंदर में ही है। रिपोर्टिंग एंटरिंग टाइम इज 12:52 PM एज पर द इंस्ट्रक्शंस। ओके दे हैव आस्क्ड टू रीच बिफोर 2 hours and 10 minutes। चलो ठीक है फिर कमिटमेंट ऑफ एग्जाम फिर तो अपन टाइम से वापस पहुँच ही गए। अंकल है हिंदू गर्ल्स कॉलेज जाना था। किसमें? ये तो स्कूल है। स्कूल के बगल में इधर कॉलेज है। कहाँ से जाना होगा? अंदर बाएं गेट से बाएं। अच्छा मतलब एंट्री यहीं से है इस पेपर की एस्टेट की। लेकिन तेरा गर्ल्स कॉलेज में क्यों पढ़ा भाई? मुझे क्या पता। तीन वो इधर हिंदू विद्यापीठ है 8वीं तक है। B1 करके कौन सा है? B1। चलो ठीक है धन्यवाद अंकल। इसमें कॉलेज लिखा हुआ है। ठीक है धन्यवाद अंकल। तो तुम भाई का सेंटर पड़ा है हिंदू गर्ल्स कॉलेज। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विजेंद्र के सेंटर पे। भाई ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अभी जा नहीं रहा मैं। मैं तो भूख टाइम है। हाँ भाई विजेंद्र साहब रोटी साथ वाले चिकन बोल दे। कौन सा है वो? ओ भाई ये कौन सा है? तो जी अपन खा पी करके हो गए हैं सेट। बहुत ही बढ़िया तवा चिकन और बटर चिकन उसके साथ नान। आज की डाइटिंग तो भाई ज़बरदस्त हो गई है। अब जा रहे हैं अपने घर के ओर। एग्ज़ाम कैसे गया? एग्ज़ाम भाई मैंने तेरे को कुछ क्वेश्चन दिखाए हैं। बाकी मैं अपने जो मैं अपना चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ उस पर इसका रिव्यू डालूँगा पूरा एग्ज़ामिनेशन या तो सोल्व करके या कैसे भी। अब जैसे जीके थी 10 नंबर की वो तो मेरे ऊपर से गई है। सेम चाइल्ड पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश चलो फिर भी ठीक थी नॉर्मल थी। क्वेश्चन तुझे दिखाए थे सिंपल से थे। तो क्या लग रहा है यार तेरे को? भाई लग तो रहा हो जाएगा 90 तो आराम से आ जाएंगे। आराम से क्या पॉइंट पे भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट पे भी होगा तो भी वैल्यू सेम ही है सबकी। तो भाई ऐसा है कि अगर हो गया ना इसका एग्ज़ाम क्लियर तो भाई फिर से पार्टी देने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर नहीं हुआ ना तो नीलेश देगा। बट ये दोबारा जब निकलेगा दोबारा फॉर्म भरूंगा मैं इसका दोबारा दूंगा ये एग्ज़ाम। तो भाई अब ऐसा है कि मुझे पार्टी मिली या नहीं मिली ये आप लोगों को पता चल जाएगा हमारे YouTube चैनल पर ही। तो जैसा विजेंद्र ने भी कहा है कि वो अपने चैनल पे अपने इस एग्ज़ाम का रिव्यू डालने वाला है उस चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज़ चेकआउट करना और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप लोग। ऑल द बेस्ट भाई। तो अभी हम पीतमपुरा से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पीरागढ़ी साइड और फ्लाईओवर पे होते हुए सीधा जनकपुरी ईस्ट।
जा, जनकपुरी ईस्ट से मैं अपने घर और विजेंद्र साहब अपने घर। तो आज का व्लॉग शायद हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। शुरुआत थी वार्म अप। हाँ, इट वाज जस्ट अ वार्म अप, इट वाज जस्ट अ वार्म अप। तो अब से रेगुलर कंटेंट्स आएंगे। एक चीज़ मेरी साइड से बोनस, हमारा भाई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, वो सारी डिटेल्स बाद में आती रहेंगी, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, जाएगा तो कैसी फ्लाइट से जाएगा बट ठीक है, कब जाएगा ये पता चल जाएगा। तो भाई ये चीज़ मैं भी हिंट करने वाला था कि शायद अगले साल अगर सारे सिचुएशंस सही रहते हैं कोविड को लेकर के, तो मे भी शायद आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी मिले और अलग अलग तरह के कंटेंट्स तो मैं पोस्ट करते ही रहूँगा। तो एट द एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ डू सपोर्ट आवर चैनल जो भी हमने क्रिएट किया है, विजेंद्र के भी चैनल के जो ये क्रिएट करने वाला है उसके लिंक्स मैं दूंगा। तो डू सपोर्ट अस, डू सपोर्ट आवर कंटेंट। कुछ सजेशंस हो, कुछ एडवाइसेस हो या कुछ भी आपको कहना हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड विल श्योरली यू नो टेक अप दोज सजेशंस एंड एडवाइसेस एंड इनकॉर्पोरेट इन आवर फर्दर वीडियोस। सो आज के इस व्लॉग को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और लास्ट में जैसे सभी लोग कहते हैं, टूडल्स। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।